हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ क्राफ्टर्स एमसी। जी हाँ गाइस, तो आज है 10th of January एंड आई नो कि भाई गिव अवे के अनाउंसमेंट की, मतलब जो विनर्स हैं उनकी अनाउंसमेंट की वीडियो आने की है, बट हाँ गाइस थोड़ा सा रिजल्ट में थोड़ी सी देरी है, थोड़ा उसके ऊपर चेकिंग चल रहा है। ठीक है, तो अभी ये वीडियो का मजा लो, जो वीडियो का टाइटल होने वाला है हाउ टू प्ले क्राफ्टर्स एमसी लैग फ्री। ठीक है, तो भाई कैसे आप लोग लैग फ्री खेल सकते हो वो आपको आज मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। एंड रियली सॉरी भाई कि मैं अनाउंसमेंट जो मुझे करनी थी विनर्स की वो अभी तक मैं ला नहीं पाया, बिकॉज यार मैंने सीरियसली अभी तक डीसी मैंने ओपन ही नहीं किया है। विनर्स कौन है, क्या है, क्या नहीं, वो मैंने चेक ही नहीं किया है भाई। ठीक है, तो वो मैं चेक करने वाला हूँ। एंड अभी भी जिसका कुछ बाकी हो तो भाई आप लोग अभी भी एंट्री कर सकते हो, बस आपका थोड़ा सा अच्छा सामान, मतलब अच्छा सा बना लेना। और आज रात तक मैं शायद डिस्कॉर्ड चेक कर लूँगा, जिसकी भी टिकट और जिसका जो विनर्स है वो आपको 11th जन को मैं बता दूंगा कि कौन विनर्स है कौन विनर्स नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए रेडी रहना, वो वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। ठीक है, तो बी रेडी। एंड यहाँ पे भाई हम लोग हमारा ये काम करते हुए जो कि अभी रेगुलर हो चुका है, ठीक है, जो कि चिकन मिनियन का हम लोग रेगुलरली करे जा रहे भाई, सीरियसली भाई। अच्छा है भाई, ये चीज़ ज़्यादा बेस्ट हो गई है कि मेरे को यहाँ से दूसरी जगह नहीं जाना पड़ रहा है भाई, सीरियसली मैम। वरना तो यार आपको भी पता है गाइस, मेरे को बार बार यहाँ पे आना पड़ रहा था, फिर यहाँ से बार बार हमारी वो वाली स्टोरेज प्लेस पर जाना पड़ रहा था। तो भाई ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा ईजी हो गई है अब तो। ठीक है, और यहाँ पे भाई हमारी चेस्ट बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बढ़ रही है, हमारे मिनियंस है ना भाई बहुत ओपी तरीके से काम कर रहे हैं। आई डोंट नो कि इससे भाई कितना एन्चांटेड फैदर्स वगैरह बनने वाले, आई होप कि भाई ऑलमोस्ट 10 बन जाए भाई, वही बहुत है, 10-12 भी बन जाए तो वेल एंड गुड इनफ है। ठीक है, अभी तो मैं इंतज़ार उसका कर रहा हूँ, एन्चांटेड एग रेसिपी की। ठीक है, अभी उसकी प्राइस नहीं बढ़ेगी, बट यार जब अपडेट आएगा ना भाई, टू बी ऑनेस्ट जो प्राइस बढ़ने वाली है ना भाई, खतरनाक बढ़ने वाली है भाई, कसम से मैं उस चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ भाई, सीरियसली मैं उस चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमारा काम हो चुका है, अब ऊपर चलते हैं, थोड़ा और पैसा कलेक्ट कर लेते हैं भाई। ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं भाई, ये चाचा जो हमारे हैं ना इनसे कलेक्ट कर लेते हैं। ओके चलो भाई, इनसे भी कलेक्ट कर लिया है, अब यहाँ से नीचे चलते हैं। गाइस थोड़ी देर रुक जाओ, आप लोगों को कैसे लैग फ्री यहाँ पे खेलना है वो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। ठीक है, कुछ फॉलोइंग स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे, वो स्टेप फॉलो करने के बाद आप लोग का जो लो एंड डिवाइस भी होगा ना 4GB रैम वाला, उसके अंदर भी आप लोग क्राफ्टर्स एमसी प्रॉपर विदाउट लैग खेल सकते हो। ठीक है, तो आप देख लेना, आपको वो चीज़ फॉलो करनी है। ठीक है, प्रॉपरली फॉलो करना तो आप लोग अच्छे से खेल पाओगे। ठीक है, तो भाई अब यहाँ पे हम लोग कैमरा एंगल चेंज करते हुए, ठीक है, तो भाई अब देखो यार, आपको सिंपल कुछ चीज़ें फॉलो करनी है, लाइक आपको आपके ये टेक्स्ट बार में आना है। एक सेकंड यार, यहाँ से मैं कहीं और चला जाता हूँ। ठीक है, लेट्स गो इन ओवरवर्ल्ड। ठीक है, ओवरवर्ल्ड इन द सेंस लॉबी क्राफ्टर की। ठीक है, तो आ चुके हैं भाई हम लोग यहाँ पे शांति से। तो भाई आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, ये यहाँ से अंदर चला जाता हूँ भाई। ये छोटा हो गया भाई, ये कितना मस्त लगता है भाई, ये एनिमेशन छोटा बड़ा। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, डन। तो भाई आपको बस आपके ये जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है यहाँ पे आपको आना है, यहाँ पे आपको वो जो साइड में सेटिंग होता है ना वहाँ पे म्यूट ऑल चैट्स वगैरह वो कर देना है, जिससे क्या होगा कि आपका जो लैग वगैरह होगा, जो मतलब जो चैट्स वगैरह होते हैं वो आपको दिखेंगे नहीं, जिससे आपकी प्रोसेसिंग थोड़ी लेस हो जाएगी, मतलब जो लोड होता है ना वो कम हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे मैं जो लिखूंगा वो आई थिंक सो यहाँ पे नहीं ओपन होगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है स्लैश सेटिंग्स। ठीक है, यहाँ मैंने सेटिंग लिखा है, आपको लिखना है सेटिंग्स, पीछे एस लगाना। ठीक है, ये मैं अनलॉक कर देता हूँ। ठीक है, बिकॉज मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, मेरा तो हाई एंड है, तो आप लोग देख सकते हो भाई, यहाँ पे आपको लिखना है SETTINGS। ठीक है, एस लगाना मत भूलना, वरना वो ओपन नहीं होगा। ये कुछ सेटिंग्स ओपन हो जाती है, आपको जाना है जनरल सेटिंग्स के अंदर। ठीक है, आपको जनरल सेटिंग में जाना है, ये सेटिंग्स तो इनको नहीं छेड़ना है गाइस आप लोगों को। ठीक है, आपको ऊपर साइड चले जाना है, ये जो हाई परफॉर्मेंस मोड होता है ये गाइस आपको ऑन कर देना है। ये कहता है करता है रिड्यूसेस सम विजुअल इफेक्ट्स इन सम गेम्स वगैरह, तो ये आपको करना है। म्यूजिक के लिए तो वैसे भी जीरो कर दो, वैसे भी कोई यूज़ नहीं करता उसको। ठीक है, बस आपको खाली वो हाई एंड वाला जो चीज़ है ना ये आपको ऑन कर देना है। एंड गाइस इससे मेरे को एक और चीज़ याद आई है, अगर आप लोगों का क्राफ्टर एसएमसी की जो लैंग्वेज प्रॉब्लम वगैरह हो रही है, आप वापस से जनरल सेटिंग में आ जाओ, यहाँ ऊपर आप लोग सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। ठीक है,
इंग्लिश है, अगर आपका जर्मन इटैलिक हो गया तो यहाँ पे आके आपकी जो लैंग्वेज सेटिंग्स होती है वो आप कर सकते हो, ठीक है। हाइड कमांड आर्ग्यूमेंट्स वगैरह, कमांड आर्ग्यूमेंट्स यानी गाइस जो आप लोग स्लैश वगैरह करके लिखते हो, जो आर्ग्यूमेंट्स आते हैं वो जो शो करता है वो भी आप हाइड करवा सकते हो। प्लेयर नेम्स, प्लेयर वगैरह सब आप इसमें हाइड करवा सकते हो, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वहाँ पे सेटिंग्स में चलते हैं, मैं आपको और कुछ सेटिंग्स दिखा देता हूँ, लाइक रिसोर्सेज जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मेरा सेकंड वाला है। मेरे को बहुत लोगों ने पूछा भाई आप कौन सा रिसोर्स यूज़ कर रहे हो जो कि लैग नहीं मार रहा है वगैरह वगैरह, तो मैं ये सेकंड वाला जो मिमिली वाला जो है वो रिसोर्स पैक मैं यूज़ कर रहा हूँ जो कि खुद क्राफ्टर्स का है, ठीक है। फिर वापस चलते हैं सेकंड सेटिंग्स के अंदर, देन जाते हैं स्काई ब्लॉक सेटिंग के अंदर। देखो हाइड अदर प्लेयर नेम ऑन द पब वगैरह, मतलब जो सेटिंग्स वगैरह होता है वो आप लोग कर सकते हो, ये कुछ आपको नहीं छेड़ना है, ठीक है। ये जो चीज़ है ये आप लोगों को कुछ भी नहीं छेड़ना है, ठीक है। ये देखो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, बट ये करना मत, ठीक है। आपको जो चीज़ करनी है वो नीचे है, देखो भाई आपको लास्ट में मैं दिखाने वाला हूँ। ये जो है ना, क्या बोलते हैं, कहाँ गया, हाँ, हाइड माना एंड डिफेंस, ये आपका कोई मतलब का नहीं है। डिसेबल टिप्स यानी जो आपको टिप्स वगैरह मिलती है वो, शो कोऑर्डिनेट्स यहाँ से आप लोग ऑन कर सकते हो, हाइड विजिट नोटिफिकेशन भी कर सकते हो यहाँ से, हाइड डेड मैसेजेस जो कि आपकी जो डेड मैसेज जाते वगैरह, हाइड अदर प्लेयर ऑन पब्लिक अरीना यानी ये आप कर सकते हो गाइस, हाइड फ्रेंड्स वगैरह, ये तीन चीज़ आप लोग कर सकते हो अगर आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा लैग मारता है तो, ठीक है। हाइड अदर प्लेयर यानी जो गाइस आपके अरीना के अंदर जो अदर प्लेयर्स होंगे वो हाइड हो जाएंगे, जिससे क्या होगा आपकी जो प्रोसेसिंग वगैरह होती है वो और कम हो जाएगी, जिससे जो लैग वगैरह जो ज़्यादा होता है ना आपका जो लॉबी में आके वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप जो कुछ चीज़ें बताइए वो कुछ चीज़ें आप लोग फॉलो कर सकते हो विदाउट टेंशन, और अगर आप लोगों को क्राफ्टर खेलना हो तो ये लैग फ्री से, तो आप लोग ये चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस ये जो कुछ चीज़ें आपको बताइए वो अगर आप फॉलो करते हो तो आप लोगों का जो लैग वगैरह है वो एकदम रिड्यूस हो जाएगा टू द ज़ीरो। हाँ कुछ चीज़ें लैग मारेगी फिर भी, पर कुछ चीज़ें नहीं मारेगी, जो बहुत ज़्यादा लैग होता है वो एकदम कम हो जाएगा, ठीक है। तो बस गाइस आज का वीडियो हम लोग यहाँ पर खूब सो वीडियो को मजा को मजा, तो प्लीज़ लाइक शेयर, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर गाइस, टिल देन सी यू, टाटा एंड बाय बाय।